सब जानते हैं, हमने ज़मीनों का भी प्रोटेक्शन लाया और जॉब्स का भी प्रोटेक्शन लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबादी इस कौम को जिसने हम पे भरोसा किया। एक वोट नहीं अभी तक दिया उस चीज़ के लिए, कभी हमने मांगा भी नहीं। उस वक़्त भी जब हम निकले, हम फी सबीलिल्लाह निकले थे अपने लोगों के लिए। आज भी हमारी सियासत फी सबीलिल्लाह है। कोई हम बाबर के ये नहीं है कि भूखे नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो रिवायती सियासत है, जो रिवायती सियासतदान है जिन्होंने इन 5 सालों में भी बहुत गंदा रोल किया जम्मू कश्मीर के लोगों को देखा। 5 साल के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में भेजा। 5 अगस्त 2019 जब हुआ, 5 MP थे कश्मीर से ताल्लुक रखते, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 2 PDP से। क्या किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। अगर उन्होंने दिया होता शायद अपनी पार्टी बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तभी हमने डिसाइड किया कि हम सज्जाद साहब को सपोर्ट करेंगे। सज्जाद साहब भी एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिवायती सियासतदानों को मेरा मशवरा बिन मांगे मशवरा मैं दूंगा कि अपने आप को रिटायर करो। अल्लाह का फजल है, उन्होंने तो पहले ही किया। वो उनका दिल मुझसे थोड़ा सा बहुत वसी है। मैंने खूबा जी के काज बहुत सुहाने होते हैं और सुहाने सपने उन्होंने 2019 में भी दिखाए हमें, जब उन्होंने PAGD बनाया। मैं शायद जवाब नहीं देना चाहता था क्यों, बहन है हमारी, लेकिन वो PAGD को तोड़ने वाली भी हुई है। एक लास्ट होप जम्मू कश्मीर के लोगों को हुई थी शायद PAGD कोई वफा करे। बेवफा लोगों से वफा की तवक्का ना रखिए, आपको भी कहता हूँ।